दिन था 5 मई 2021 का और जगह थी सिएटल वॉशिंगटन अमेरिका। यहाँ पर कुछ पुलिस वालों की भीड़ एकदम से कैमरा के अंदर दिखाई देती है और तभी एक महिला जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब दिख रही थी वो उस कैमरे के अंदर कैद हुई और तभी वहां पर पूरे एरिया में हलचल मच गई। इस महिला का सिर्फ रूप ही अजीब नहीं था बल्कि इसने अपने हाथों में कुछ अनजान सी चीज भी पकड़ी हुई थी। कुल टोटल 8 पुलिस वाले उस महिला के आगे पीछे घूम रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिस जिसने भी पुलिस को कॉल करके इस महिला के बारे में बताया था वो सभी इसकी चाल पर और उसके मुंह पर कमेंट कर रहे थे कि जरा इसकी चाल और इसके मुंह को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कोई आम इंसान लगी नहीं रही, ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी लग रही थी। सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक मी लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ये इस चैनल पर होने वाली पहली वीडियो है तो मैं उम्मीद करता हूं जितना आप सपोर्ट मिस्टीरियस दुनिया को देते हैं उतनी ही मेरी पॉडकास्ट को भी देंगे। तो आप सभी के लिए मैं ऐसे ही पॉडकास्ट वीडियो एक दिन छोड़कर यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। एक दिन वीडियो आएगी मिस्टीरियस दुनिया पर और उससे अगले दिन वीडियो आएगी मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट पर। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें और चलिए जानते हैं कि आखिर ये महिला कौन थी जिसने पूरी दुनिया के अंदर ज़ॉम्बीज का नाम एक बार फिर से उछाल दिया था। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ अफवाह बोल रहे थे। अब यहाँ पर बात 2021 की चल रही थी तो हर किसी दूसरे बंदे के हाथ में फोन होता है और वो अपना कैमरा निकाल निकाल कर इस महिला को रिकॉर्ड कर रहे थे और जिस जिसने भी वीडियोस डाली उसके कमेंट्स में दो तरह के लोग मौजूद थे, एक वो जो इसे पूरी तरह से अफवाह बता रहे थे और एक वो जिन्होंने इसे सीरियसली लिया और कहा कि ज़ॉम्बीज इस दुनिया में आ चुके हैं। सच क्या था ये मैं आपको आगे वीडियो के अंत होते होते बता दूंगा। टिकटॉक हमारे इंडिया में बंद है लेकिन पूरी दुनिया में तो चल ही रहा है और अमेरिका में इसकी सबसे पहली वीडियो टिकटॉक पर ही आई थी। सबसे पहले एक बार आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो वही थी जो सबसे पहले दुनिया के सामने आई थी और इसे देखते ही लोगों का दिल दहल गया। सबसे पहले तो इसकी चाल बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी, बिल्कुल लंगड़ा कर ये चल रही थी और दूसरा इसका आधा सर गंजा था यानी कि इसने अपने आधे बाल कटवा लिए थे और तीसरा इसके चेहरे पर बहुत अजीब तरह से खून टपक रहा था। पता नहीं वो खून था या क्या था पर हाँ वो लाल रंग की चीज़ उसके चेहरे से लगातार रिस रही थी और चौथा इसने अपने हाथ में एक बहुत ही अनजान और अजीब सी चीज पकड़ी हुई थी और वो चीज पूरी तरह से खून में लिपटी हुई थी। इस महिला ने अपने पैरों के अंदर एक ही जूता पहना हुआ था और जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ा रही थी वैसे ही ये दर्द के मारे भी चिल्ला रही थी और तभी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये वाली वीडियो सबसे पहली थी लेकिन इसी तरह की अलग अलग एंगल से इस महिला की वीडियोस टिकटॉक पर या फिर यूट्यूब पर अपलोड होने लगी। मैंने अलग अलग अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क करके इसकी वीडियोस को इकट्ठा किया, यूट्यूब पर भी मैंने बहुत छाना लेकिन यूट्यूब ने पता नहीं क्यों इस वीडियो से रिलेटेड हर वीडियो को डिलीट कर दिया था। अब पता नहीं वो क्या हुआ था वहां पर अभी भी टिकटॉक पर इसकी वीडियोस पड़ी थी और मैंने अपने सोर्सेज से इन वीडियोस को मंगवाना शुरू किया। जैसे ये टिकटॉक वाली वीडियो खत्म हुई थी उसके बाद दर्शकों ने बताया कि यहाँ तुरंत सिएटल पुलिस पहुंच चुकी थी। अब एक और वीडियो आप अलग एंगल से देखिए। ये वीडियो मुझे YouTube पर ही मिली और इस वीडियो में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि आसपास इस महिला के पुलिस वाले हैं, वो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रही है, ये जस्ट उनके साथ आगे आगे चलती जा रही है और इसने वही अजीब सी चीज अपने हाथ में पकड़ी हुई है। ये महिला लगातार चिल्लाए जा रही है, इसके मुंह से खून टपक रहा है और इसने जो वो चीज पकड़ी हुई है उससे भी खून लगातार रिसे जा रहा था। सोचकर देखिए अगर ऐसी कोई महिला आपके घर के बाहर इस तरह से चलती हुई दिखाई दे तो क्या आपकी हालत होगी, वो कमेंट्स में मुझे एक बार जरूर लिख दें। आप जरा इस महिला के चेहरे को आराम से देखिए, क्या ये बिल्कुल आपको एक आम चेहरा लग रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा इसकी आंखों को देखिए जो कम्प्लीटली डार्क हो चुकी है, इसके होठों को देखिए कम्प्लीटली डार्क है, बाकी का पूरा चेहरा सफेद किया गया है। आसपास खड़े पुलिस वाले इसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये महिला लगातार चलती जा रही है और लगातार चिल्लाए जा रही है। इसके अलावा मुझे एक और वीडियो टिकटॉक पर मिली जिसमें सामने आया कि इन पुलिस वालों ने इस महिला को पकड़ लिया है और इसे नीचे ही नॉकडाउन कर दिया है और जैसे ही ये वीडियो मैंने देखी यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि यहीं से वीडियो और ये मिस्ट्री पूरी तरह से डार्क हो जाती है क्योंकि इसी वीडियो में मुझे इस महिला द्वारा बोले गए कुछ शब्द सुनाई दिए, जरा आप भी सुनिए।
जब मैंने ध्यान से इस वीडियो को कई बार देखा तो मुझे पता चला कि ये महिला इस वीडियो में पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए और उसका बच्चा उससे वापस ना छीना जाए। एक मिनट, ये बच्चा कहाँ से आ गया? ओह माय गॉड, जब मुझे पता चला कि वो जो अनजान सी चीज इस महिला ने हाथ में पकड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक नवजात बच्चा था जिसके अंदर से खून रिसे जा रहा था। ये अंतिम वीडियो थी जो मुझे इंटरनेट पर मिली अपना पूरा जोर लगाने के बाद। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो देखी उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था, ये महिला कौन थी, इसके साथ क्या हुआ था, इसके हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा कौन था, और भी बहुत सारे सवाल जो अभी आपके माइंड में घूम रहे होंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सच में एक जॉम्बी थी। अब यहाँ पर आपको इन वीडियोस में 8 पुलिस वाले दिख रहे होंगे जो इस महिला के आगे पीछे घूम रहे हैं इसे टेक डाउन करने के लिए, लेकिन कभी भी सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस केस के ऊपर नहीं दी गई, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया हो कि इस महिला के साथ क्या हुआ था और ये महिला थी कौन। और यहीं से ये इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री जन्म ले लेती है। अब यहाँ बहुत सारे लोग एक और अपनी नई थ्योरी लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मूवी की शूटिंग थी। हो भी सकता था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सिएटल में ही एक बहुत फेमस मूवी की शूटिंग चल रही थी। मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि फालतू में मुझे उसका प्रमोशन नहीं करना। खैर, उसकी शूटिंग चल रही थी और हो सकता है कि ये उसी का ही कोई हिस्सा हो। तो जाकर लोगों ने और पत्रकारों ने उस मूवी के डायरेक्टर से, उस मूवी के प्रोड्यूसर से इसके बारे में बात करी और उन्होंने साफ मना कर दिया कि जोम्बी का तो कोई सीन हमारी मूवी में है ही नहीं और इस महिला का हमारी मूवी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप प्लीज़ इसके बारे में हाइप हमसे ना जोड़ें। तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि ये कोई मूवी का सीन तो बिल्कुल नहीं था। अब बहुत से लोगों ने यहाँ ये थ्योरी बनाई कि ये कोई मेकअप आर्टिस्ट होगी और ज़रूर इसने बहुत गंदा मेकअप यहाँ किया होगा। इसके बारे में सच क्या था ये हम आगे देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये महिला जरूर अपने घर से पीड़ित हो सकती है या फिर कुछ भी इसके साथ हुआ हो, ये महिला मैरिड हो सकती है और इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कुछ हुआ हो और जिसके बाद इसने ऐसा कुछ अपने साथ कर लिया हो, ये भी हो सकता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ मैं आपको सच बताऊँ तो टिकटॉक, मैं कितना ही बोलूँ उसके बारे में वो कम है। यकीन मानिए टिकटॉक और टिकटॉकर्स भगवान है इस दुनिया के लिए, क्योंकि हर इंसान की एक सीमा होती है लेकिन वो लोग उस सीमा को टाप कर क्रिंज कंटेंट बनाने में विश्वास रखते हैं। यहाँ मुझे इस केस से जुड़े हुए कुछ ऑडियो क्लिप्स मिले, यानी कि वो जो PCR कॉल्स होते हैं, आपने भी सुना होगा कि PCR में रेडियो वगैरह लगा होता है, तो हमारे इंडिया में तो नहीं लेकिन अमेरिका की जो PCR होती हैं और उसके अंदर जो रेडियो लगा होता है और उसके अंदर जो बातें होती हैं ना वो पूरी ऑनलाइन रिकॉर्ड होती हैं और उन्हें कोई भी सुन सकता है। तो मैंने जाकर ब्रॉडकास्टिफाई नाम की एक साइट के ऊपर उस ऑडियो को ढूंढा और लकीली वो मुझे ऑडियो मिल भी गई। जरा आप एक बार उस ऑडियो को सुनिए। 3008 16th Avenue West. There's a female walking eastbound on West Barrett Street that has blood running down her face and leg. She's also yelling and limping. She's described as a white female, 20 to 30, 5'5 to 5'7, thin build, with a shaved head and brown patches of hair, wearing a gray t-shirt, blue jeans, and one white shoe. 15th and West Armour Street on the west side, just north of. ये ऑडियो भी यकीन मानिए बहुत हैरान कर देने वाली है। ये ऑडियो जो मैंने आपको सुनाई ये बिल्कुल ऑफिशियली सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही ब्रॉडकास्टिफाई पर आई थी, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल असली थी। और इससे यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि ये चाहे जो भी था इसके अंदर असली पुलिस इन्वॉल्व की गई थी। इसके अलावा यहाँ एक और थ्योरी निकल कर सामने आई और लोगों ने कहा कि इस महिला का नाम मैरिलिन स्टैनली है। जी हाँ, मैरिलिन स्टैनली की फोटो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये मैरिलिन स्टैनली हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैरिलिन स्टैनली का केस जो था वो 2016 में सामने आया था और असल में जो मैरिलिन थी इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। इसके जो घर वाले थे उन्होंने ही इसके सिर से आधे बालों को काट दिया था और इसका बहुत गंदा हाल किया था मार मार कर, इतना गंदा कि मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। जो भी यहाँ हुआ था वो 2016 में हुआ था लेकिन ये केस जो आया था वो 2021 में आया था और सन 2016 में तो टिकटॉक नाम का गंद भी इस दुनिया में नहीं फैला था और इसी वजह से ये थ्योरी भी मैंने रूल्ड आउट कर दी। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये महिला एक असल ज़ॉम्बी थी? क्या सच में इस दुनिया के अंदर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं? आपको क्या लगता है? चलिए
जानते हैं इस महिला का सच क्या था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस महिला का सच सामने आने में बहुत लंबा टाइम लगा। इसी तरह की कुछ और वीडियोस भी दुनिया से निकलकर सामने आई थी और हमारा भारत इसमें कहाँ पीछे रह सकता है। जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें एक बहुत ही खत्म सा शरीर कैसे सड़कों पर चल रहा है सिर्फ वीडियोज के लिए, और लोग देखिए कैसे पागल हो रहे हैं। एक थ्योरी यहाँ ये भी हो सकती है कि जरूर इस महिला के साथ कोई कार वगैरह का एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी कार वगैरह जल गई हो और उससे उसका ये हाल हो गया हो। ये थ्योरी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये साइड में ही एक हाईवे से गुजर रही है और हाईवे में इसका एक्सीडेंट हो भी सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मेरे माइंड में एक थ्योरी आई कि हो सकता है ये महिला बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह का नशा फूंकती हो, माल वगैरह सारा दिन लेती रहती हो, और हमें पता है कि जो माल वगैरह लेते हैं लोग उनसे उनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हो सकता है कि ये महिला भी उसी का शिकार हो गई हो और उसी के नशे में होकर ऐसा कुछ कर रही हो। मैंने स्टोरी को रूल्ड आउट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इस स्टोरी के ऊपर पूरी तरह से बेस नहीं रह सकता था, इसलिए मैं और आगे गया। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन लोगों के दिमाग से केस ठंडा नहीं हो रहा था। और तभी एक और वीडियो इस केस से रिलेटेड निकल कर सामने आई, और ये वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी के अंदर लगे डैश कैम से ही रिकॉर्ड की गई थी, और इस वीडियो ने पूरी तरह से इस केस की थ्योरीज को ही बदल कर रख दिया। 9 मार्च 2022 का दिन आ गया। एक YouTube चैनल जिसका नाम रेबेका MS था, उस चैनल पर ये वीडियो अपलोड की गई, और थैंक्स टू रेबेका उसने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, मुझसे भी ज्यादा की थी, और यकीन मानिए रेबेका ने इस केस को पूरी तरह से सुलझा दिया था। और इस वीडियो से यहाँ हमें समझ आ गया था कि बेशक ये पुलिस तो असली है, लेकिन ये जिस लड़की के ऊपर काम कर रहे हैं ये बिल्कुल नकली है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बात करते हुए लोग सुनाई दे सकते हैं कि ये जो ब्लड इसके ऊपर लगा हुआ है ये बिल्कुल नकली है। इस वीडियो में हम साफ तौर पर पुलिस वालों की बातों को सुन सकते हैं, और ये जो चोटें इस लड़की ने अपनी शरीर के ऊपर बना रखी हैं ये चोटें सिर्फ नकली ही थी। इस महिला ने बहुत तगड़े लेवल का मेकअप यहाँ किया हुआ था, और जैसे कि यहाँ पुलिस वाले आपको कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, और इसे देखकर आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ इस वीडियो के बाद ही इस लड़की का असल नाम सामने आया, जिसमें इसका नाम किम्बरली कसाई था, और जैसे ही इसकी मैंने इंस्टा हैंडल को देखा तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा डरावना मेकअप ये लड़की करती है, और इसकी जो सेंसेस हैं वो बहुत अलग हैं आप या फिर मुझसे। किम्बरली ने इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही अजीब सी फोटो अपने हैंडल पर पोस्ट करी, जिसके अंदर उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें था। मतलब ये फोटो उसी दिन क्लिक की होगी उसने, और इस फोटो में उसने कैप्शन लिखा हुआ था, आई एम नॉट योर लैब रैट। इसके अलावा उसने बहुत सारी पोस्ट करी फेसबुक पर, जिसमें उसने कहा कि ये सब एक स्टंट था ताकि लोग उसकी आवाज सुने। तो यहाँ वो किस चीज़ की आवाज़ लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही थी? तो वो वहाँ पर अपने एरिया से जुड़े हुए पॉलिटिकल मुद्दों को उठा रही थी, उसको कोई सुनने वाला नहीं था। उसने सोशल मीडिया पर बहुत सारे नेताओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा करूँ जिससे लोग मेरे ऊपर ध्यान दें, और उसने ये स्टंट किया। मुझे बहुत खुशी है कि इस इंसिडेंट में कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं था, सिर्फ मेकअप ही था जो यहाँ दिख रहा था। खैर, बहुत अच्छा लगा मुझे पहला एपिसोड अपना पॉडकास्ट का बनाकर, और आप मुझे बताइए कि मुझे पॉडकास्ट में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉडकास्ट कैसे दी जाती है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि और क्या क्या करना चाहिए इसमें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।